यस जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। यहाँ तक पहुँचना इतना इजी नहीं था। मेरे जो फादर हैं वो कार्ट पुलर थे एंड सो उनके लिए इतना इजी नहीं था। कार्ट पुलर थे तो उनके लिए इतना इजी नहीं था। हम तीन ब्रदर सिस्टर थे कि यू नो वो फैमिली को चला सके। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जब भी हमें कभी बताते हैं कि उन्होंने 80 रुपीज़ डे में भी काम किया है, मतलब ना कि, और उसमें से फैमिली चलाना। और आपको हॉकी का इक्विपमेंट वगैरह उसका पैसा कहाँ से आता था? शायद यही वजह थी कि उनको थोड़ा डर लगता था यू नो ये कहने में कि तू हॉकी खेल ले, क्योंकि उनको ये था कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली जहाँ पे यू नो एक मील के लिए स्ट्रगल कर रही हो तो वहाँ पे हॉकी खिलाना बहुत मुश्किल था। बट हमारे जैसे एकेडमी है शाहबाद में, हॉकी का हब है वो, वहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं तो हमें वहाँ से काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती थी कि हमारे कोच काफ़ी हेल्प करते थे कि हमें शूज़ या स्टिक वगैरह देने के लिए। ऐसे आता था जी। मैं फैमिली मेरी फैमिली जो पापा फार्मर है, मम्मा हाउस वाइफ है, हम लोग की ज्वाइंट फैमिली है। और मैं हॉस्टल सिर्फ स्टडी के लिए गई थी। उसके बाद मैंने बताया कि हाँ मतलब खेल रहे हैं तो पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया खेलने में। उन्होंने बोला कि आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ पेरेंट्स की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट ना करते तो हो सकता आज मैं यहाँ ना होती। अच्छा, बहुत सपोर्ट किया है आपको। नंदिता बताइए। मेरे फादर टीवी मैकेनिक थे तो वो वही मैकेनिक, हाँ जी, टीवी हाँ जी रिपेयर करते थे, हाँ जी। तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाला तो मतलब कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा हार्डवर्क किया है कि मुझे स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो सारा दिन काम करते थे। इवन रात को भी बहुत लेट आते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी किसी भी डाइट को लेकर या स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। इसके बावजूद कि स्पोर्ट्स में इतना क्लियर नहीं कि आपको पैसे कमा पाएंगे कि नहीं, ये सब रिस्क था, तब भी उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ जी, मतलब कि मैं यही मानती कि उन्होंने मेरे से भी ज्यादा हार्डवर्क किया होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप बताइए। सर मैंने 5th क्लास से हॉकी स्टार्ट की थी। ताकि आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? फादर की डेथ हो चुकी है और मदर हाउस वाइफ है। अच्छा, इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे को हॉकी के शूज मिल सके और कपड़े मिल सके ग्राउंड से। वो क्रेज था आपको? नहीं, काफी पुअर फैमिली से थी मैं उस टाइम पे। और मेरी मम्मी ने काफी लोगों के घर में जाके काम किया, फैक्ट्रियों में जाके काम किया और उससे हमें हमारे घर में 2000 रुपए आते थे महीने के, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था और स्कूल की फीस भी। तो अगर मैं यहाँ पे तो अपनी मदर की वजह से हूँ। और मेरी हेल्प मेरी कोच ने की थी, प्रीतम मैम ने। मेरे को शूज वगैरह सब वही देती थी। वो देते थे? हाँ जी। अमेजिंग।